ये ऑक्सीजन सेंसर खराब है। सेंसर खराब है, हिसाब होता है या क्या होता है? पहला सबसे ज़रूरी काम है, मैं ढूंढ रहा हूँ एक फ़ोटोशॉप तस्वीर खिंचवानी है और पासपोर्ट साइज़ जो होती है वो ले तस्वीर खिंचवानी है। अभी कोई दुकान मिल तो नहीं रही, आई एम फाइंडिंग इट बड़ी देर से, तो ढूंढते हैं बहुत जल्दी है अंकल को। एक और कीजिएगा थोड़ी ज्यादा स्माइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बॉयज। ये जो पिक्चर्स मैंने खिंचवाई हैं ये एक सरकारी काम है जिसके लिए मुझे इन पिक्चर्स की ज़रूरत है, इसीलिए ये काम भी ज़रूरी था, जो कि आधा हुआ है अभी। हमने पिक्चर्स अभी लेनी है वापस, आधे घंटे तक ये हो जाएंगी, फिर हमने आगे यहाँ से ये रिसीव करनी है। लेकिन मीनवाइल एक और ज़रूरी काम है, वो ज़रूरी काम ये है कि जैसे कि आपको पता है पिछले ब्लॉग में इसका एक इशू निकला है प्लग्स के रिलेटेड, जो कि एक मसला है जो कि हमने ठीक करना है और इसके मसले की जड़ तक भी पहुंचने के क्या इशू है। आप लोगों के कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ कि आप लोग ये कह रहे हो कि उसमें इंजेक्टर्स का इशू हो सकता है, इंजेक्टर साफ करवाएं, हाई ऑक्टेन डलवाएं। हर बंदा मतलब जिस चीज़ को जो जो जिन जिन मसले से गुजरा हुआ है वो हर बंदा अपनी ओपिनियन रख रहा है, और इतनी सारी जब ओपिनियन सामने आ जाती है ना तो बंदा थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो जाता है कि अच्छा यार ये भी इशू हो सकता है, ये भी इशू हो सकता है, ये भी इशू हो सकता है। तो अब मुझे ज़रूरत है किसी मतलब जो सही काम करता है, जो गाड़ी को समझता है, जो मार्क एक्स को समझता है, उसको गाड़ी दिखाने की। तो हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं इब्रार भाई, उन्होंने हमें एक बंदा रेफर किया है जिनके पास अभी हम जा रहे हैं, उनको गाड़ी दिखाते हैं, देखते हैं कि भैया उनको गाड़ी की समझ है या नहीं है। मैं अभी तक जिसको भी मैंने गाड़ी दिखाई है ना, मुझे कोई प्रो मार्क एक्स नहीं मिला मैकेनिक, तो अभी कोई प्रो मार्क एक्स मैकेनिक ढूंढते हैं, उसको गाड़ी दिखाते हैं और देखते हैं कि भैया उनका क्या कहना है इस गाड़ी के रिलेटेड। चले ठीक है, मैं उधर जाके गाड़ी चेक करवाया था। वैसे आपका कोई होना है, आपने आना है कि नहीं? लो भैया एक इशू हो गया, इशू ये हो गया कि जिनको जो मेन प्रो बंदा अकॉर्डिंग टू इब्रार भाई जो प्रो बंदा है वो घर चला गया, अब वो कह रहे हैं आप चले जाओ, अब आप आ गए हो तो अब आप छोटे भाई को गाड़ी दिखा दो। ये जो मार्क एक्स को ठीक करने की जर्नी है ना, ये बड़े मज़े की है, मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ और आई होप कि आप लोग भी इन्जॉय कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सबक होते हैं जो गाड़ी के ये जो जर्नी है ये हमें सिखाती है, बड़े छोटे छोटे सबक होते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप वो सीखते हो या वो आप जलालत समझ के जो है ना जान छुड़वाते हो उससे। इरफान भाई गाड़ी जो है ना वो कच्चा धुआं मार रही है, क्योंकि इसके प्लग्स मैंने कल जो है ना चेंज करवाए हैं, जो इसके अंदर थे वो भी आपको दिखाया था। ये इसके अंदर NGK के रेडियम प्लग डाले थे मैंने, लेजर रेडियम, और ये 2500 के बाद ये आना है प्लगों का। अब इसके अंदर वो जो वर्कशॉप में पड़े होते हैं ना, फिलहाल वो डाले हैं कि यार चेक करें आया इशू किस चीज़ में। ये फिट करने के बाद हुआ कि इसका ना बेसिकली गाड़ी मैंने लिया है 1.5 महीना हो गया, इसका सारा काम करवाया, टैपेट के जैन लीक थे, टैपेट लिए वो नए, ये लेजर रेडियम प्लग डाले मैंने, अपनी तरफ से तो ये डाले कि यार अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इसका सारा जो मेन मेंटेनेंस का काम है, थ्रॉटल बॉडी हो गई, सारा कुछ करवाया मैंने, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी जो है ना वो कच्चा धुआं मार रही थी, इतना कच्चा था कि वो आँखों में चुभता था, इतना इसकी स्मेल इतनी तेज़ थी। अब है कि नहीं, अब आप वो चेक कर लें। वैसे मैंने 150 के डाले हैं जो वर्कशॉप में पड़े हुए हैं। जी तो जनाब अपडेट ये है कि हम वर्कशॉप पे आ चुके थे और जिनको हमने गाड़ी यहाँ पे दिखानी थी असगर भाई को, वो तो खैर अभी छुट्टी पे हैं, लेकिन छोटे भाई से मुसलसल रबते में है कि इस गाड़ी का क्या चेक करना है क्या नहीं चेक करना। इसके जो प्लग्स हमने कल चेंज करवाए थे वो इन्होंने खोल के चेक किए हैं, प्लग्स आर ओके ठीक है, और अकॉर्डिंग टू इरफान भाई जो भी ठीक कर रहे हैं गाड़ी, उन्होंने कहा है कि स्टिल अभी भी कच्चा धुआं आ रहा है, कम है लेकिन आ रहा है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सेंसर इसका खोल के देखेंगे कि उसमें कोई इशू तो नहीं है, इसका कैट तो नहीं गंदा, उसके अलावा इसके इंजेक्टर्स पे भी डाउट जाता है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब एक चीज़ यार गाड़ी जब चलती है तो बहुत सारी चीज़ें मिला के चलती है,
एक आधी चीज़ भी ख़राब हो तो इस तरह के मसले फेस करने पड़ सकते हैं। तो हम अभी वो ऑलरेडी मसला फेस कर रहे हैं। अब जैसे ही ये मसला ट्रेस होता है कि असल इशू किस चीज़ का है, तो फिर हम अभी वैसे इरफान भाई से मैं डिस्कस कर रहा था, वो कह रहे थे ये भी प्लग्स ठीक हैं जो आपने डाले हैं, ये प्लग्स का इतना इशू नहीं है। अगर जब ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा कच्चे धुएँ वाला तो हम इसके वही प्लग्स वापस भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी वी आर नॉट श्योर। जैसे ही मसला ट्रेस होगा तो फिर हम अपने नतीजे पर पहुँचेंगे कि क्या करना है। ये ऑक्सीजन सेंसर खराब है। सेंसर खराब है, हिसाब होता है या क्या होता है? चेंज होता है। पहला ऑक्सीजन सेंसर, दूसरा ऑक्सीजन सेंसर, तीसरा ऑक्सीजन सेंसर और चौथा ऑक्सीजन सेंसर वो उतार रहे हैं। अच्छा भैया, टू माई सरप्राइज मार्क एक्स के अंदर चार ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, मुझे लगा कि दो होते हैं। खैर, ये इसके आगे वाले सेंसर्स हैं जो कदरे बेहतर हैं, लेकिन फिर ये भी ख़राब है। इनकी रीडिंग्स उन्होंने चेक की हैं, इसकी रीडिंग ठीक नहीं आ रही है, पकड़िएगा भैया। और ये होते हैं पीछे वाले सेंसर, पीछे वाले कहते हैं ना, ये पीछे वाले सेंसर्स हैं जो बिल्कुल ही ब्लैक हो गए हैं, मतलब इनके पल्ले कुछ नहीं रह गया, और इवन एक इनमें से सेंसर वो रीडिंग ही नहीं दे रहा। और मैं अभी आपको बताता हूँ इनका काम क्या होता है, जिसकी वजह से ये कच्चा धुआं गाड़ी मार रही है। लगाते हैं सर फिलहाल ये तो। ओके बॉयज, हम लोग वर्कशॉप से निकल आए हैं, ऑक्सीजन सेंसर्स वापस लगवा लिए हैं हमने। उसकी वजह ये है, अभी हम नए क्यों नहीं लगा रहे, पहली बात तो ये मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन ऑक्सीजन सेंसर की हालत देख के मैंने कहा भैया ये चेंज करने तो बनते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब थे और उनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन सेंसर का काम क्या होता है, जो मैंने अभी गूगल पे पढ़ा है। ऑक्सीजन सेंसर का बेसिकली काम होता है, जो एग्जॉस्ट में से धुआं निकल रहा है, इंजन जो एग्जॉस्ट में से धुआं निकाल रहा है, उसको जज करता है ऑक्सीजन सेंसर के भैया। अब जैसे हम आगे नाक से स्मेल करके सिलेंसर के पास बैठ के देख रहे थे कि कच्चा धुआं मारी या नहीं मारी, ये काम बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर का होता है। लेकिन ऑक्सीजन सेंसर का आप देसी जुबान में आप समझ लें, उसका नाक है बंद, उसको हुआ हुआ फ्लू, क्योंकि वो हो गया ख़राब, इसीलिए हमें ऑक्सीजन सेंसर चेंज करना पड़ेगा। अब एक और मज़े की बात यह है कि जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती है, जैसे सिविक में खैर दो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं गालन, और मैं एक्सपेक्ट इसमें भी कर रहा था कि दो होंगे, लेकिन जब वो निकले तो चार ऑक्सीजन सेंसर होते हैं इस गाड़ी में, और चारों के चारों बहुत महंगे हैं, नए तो मिलते नहीं हैं, हमें बिलालगंज से काबली लेने पड़ेंगे तो वो भी बहुत महंगे हैं। अब ये काम हमने कल पे पोस्टपोन कर दिया है, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि ये करवाया जाए ना करवाया जाए, क्योंकि गाड़ी चलने में कोई इशू नहीं है, मसला ये है कि कंबशन अभी सही नहीं हो रही, क्योंकि कंप्यूटर इज़ नॉट एबल टू जज कि पेट्रोल कितना देना है इंजन के अंदर और कितनी हवा देनी है। बेसिकली एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड, हर चीज़ कंप्यूटर ने जज करनी है, एयर फ्यूल रेशो जिसको कहते हैं वो सेट करनी होती है। ऑक्सीजन सेंसर का बड़ा काम होता है एयर फ्यूल रेशो को सेट करने में, तो इसीलिए अब हमें ये ऑक्सीजन सेंसर भी लाजमी ठीक करवाना पड़ेगा। और मैं इसीलिए हैरान भी हो रहा था कि हम नथिया गली गए थे तो गाड़ी ने एवरेज बहुत गंदी दी थी, अब होपफुली जब ये काम हो जाएगा, जब इस पे खर्चा हो जाएगा, तो इसकी एवरेज बहुत बेहतर हो जाएगी। अब वर्कशॉप वाले ने प्लग्स के रिलेटेड क्या कहा है, तो उन्होंने प्लग्स के रिलेटेड यही कहा है कि भाई साहब मार्क एक्स है, गाड़ी को जो प्लग आता है या जो कंपनी सजेस्ट करती है आपको वही डालना चाहिए। अब ये सारी बातें आपको बताने का मकसद एक ही है कि आप लोग इन चीज़ों से, छोटी छोटी जो मैं गलतियां कर रहा हूँ उन चीज़ों से आप सीखें। अब इन्हीं से मैंने यही सोचा कि ऑक्सीजन सेंसर हम नए डलवाएंगे और इसका कैट भी साफ़ होगा। कैट लास्ट टाइम वर्कशॉप से करवाया था, लेकिन वो जब तक कैट नहीं निकलता, निकाल के कैट सही से साफ होता है, ऐसे साफ नहीं होता। भैया हम गपशप लगा रहे थे बैठे बैठे और मुझे याद आया 9 बजने वाले हैं और दुकान होने वाली है बंद, और हमने पिक्चर्स लेना भूल गए हैं जो हमने पिक्चर्स सुबह खिंचवाई थी। अब फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और पिक्चर्स लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह सुबह जाके वो सबमिट करवानी है। दुकान खुली नहीं अभी, वो पिक्चर्स बने थी। खुली है, सीट बेल्ट तो बंद हो, आप 9 बजे बंद हो जाती है, 10 मिनट हमारे पास पहुंच जाएंगे। हम लोग उधर टाइम पे नहीं पहुंच पाए अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से हमें पिक्चर्स नहीं मिली, और वो पिक्चर्स ना मिलने की वजह से मैं एक नई पसूड़ी में फंस गया, क्योंकि वो पिक्चर्स की अर्ली मॉर्निंग सुबह ज़रूरत थी, और अब क्योंकि मेरे पास वो नहीं है तो मैं एक नई जलालत में फंस गया, और मुझे उसमें जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। सुबह यहाँ पे गाड़ी भी इनको देनी है, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि यार सुबह कल के दिन में ये जो ऑक्सीजन सेंसर्स वाला मामला है हम इसको एज सून एज पॉसिबल क्लियर करवा लें। मुझे सुनील साहब की एक बात याद आ रही है, जब मैं रिव्यू करवाने गया था उन्होंने ये बात की थी, जब आप प्रोजेक्ट पकड़ते हैं ना तो उसका हर एक पार्ट ही चेंज करते हैं। दूसरा आपको वैसे एडवाइस ये है, जरा मार्क एक्स है या कोई भी बंदा अगर प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी गाड़ी का प्रोजेक्ट करना ना तो उसकी हर चीज़ चेंज करते हैं। तो ऐसा ऐसा जो जो आप पार्ट चेंज करते हो आपको तसल्ली होती है कि यार आपने ये चेंज किया हुआ है, ये मसला नहीं कर सकता। लेकिन इस
गाड़ी में माशाल्लाह से। अब किस्मत ऐसी आप कह सकते हैं कि हमें गाड़ी ऐसी मिली है कि इसका एक एक पार्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहा है, लेकिन चलो कुछ नहीं होता, एट दी एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल मैटर। इस व्लॉग यार यहीं पे खत्म करते हैं, होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में भाई याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सुबह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मार्क एक्स उर्फ रूडी को हम क्लियर कर दें इसके ऑक्सीजन सेंसर वाले मामला से, बाकी मैकेनिकल बाकी वैसे ही बैठे हैं, सिर्फ सस्पेंशन रह जाएगी पीछे मैकेनिकल।